ए शमा थोड़ी देर थम जा, आज सूरवीरों के दीदार का दिन है। ऐसी ही एक सोच के साथ नायब सूबेदार धर्मेंद्र सिंह ने एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें शामिल हुए ऑनरी कैप्टन गुलाब सिंह, ऑनरी कैप्टन हरपाल सिंह, ऑनरी कैप्टन बीरबल सिंह, ऑनरी कैप्टन कुशलपाल सिंह, रिसालदार प्रताप सिंह, जिन्होंने युद्ध के पहलुओं पर चर्चा की और युद्ध क्षेत्र में लड़ाई के दौरान हुई आप बीती से सभी को रूबरू कराया। आपको बता दें कि जनपद मथुरा के गोकुल बैराज मोड़ स्थित एक होटल में पूर्व सैनिकों के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 1965 और सन 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में जिन सूरवीरों ने अपने अदम्य साहस और वीरता से लड़ते हुए देश का नाम रोशन किया था, ऐसे ही सूरवीरों को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में आए इन पूर्व सैनिकों ने अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम के संचालक धर्मेंद्र सिंह की ये लाइनें उन शहीदों को श्रद्धांजलि देती हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। हमारे देश का झंडा इसलिए नहीं लहराता कि हवा चल रही होती है, ये झंडा हर उस जवान की आखिरी सांस से फहराता है जिन्होंने इसकी रक्षा के लिए जीवन न्योछावर कर दिया। इस समारोह में विभिन्न क्षेत्रों से आए 50 से 60 रिटायर्ड सैनिकों ने हिस्सा लिया। इस समारोह की शुरुआत ब्रज वेटरन्स पूजा हॉर्स परिवार द्वारा की गई। पूना हॉर्स हिंदुस्तान की एक ऐसी रेजिमेंट है जिसको सबसे ज्यादा युद्ध पदकों से सम्मानित किया गया है। आयोजन का संचालन नायब रिसालदार धर्मेंद्र सिंह ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि रेजिमेंट का इतिहास किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सर्वोच्च युद्ध पदक परमवीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देसिर बुरजोजी तारापुर तथा वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सर्वोच्च युद्ध पदक परमवीर चक्र से सम्मानित सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल भी इसी महान रेजिमेंट के हिस्सा थे। कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बताया कि सभी पूर्व सैनिकों को बुलाकर वो एक परिवार की तरह सभी को एक दूसरे से जोड़कर रखेंगे और समय आने पर पूर्व सैनिकों की संस्था के द्वारा मदद भी की जाएगी। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रिटायर्ड कर्नल कुमार विजय वीर सिंह रहे, जिन्होंने अपने संबोधन में रेजिमेंट के इतिहास के बारे में बताया और ब्रज वेटरन्स पूना हॉर्स के परिवार के सभी सदस्यों को आगामी दिनों के लिए शुभकामनाएं दी। मैं नायब सरदार धर्मेंद्र। आज ये प्रोग्राम के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? ये प्रोग्राम आज से 165 साल पहले हमारी रेजिमेंट ने जो लड़ाई लड़ी थी, जिसमें हमने 2 विक्ट्रिया क्रॉस जीते थे, इस ब्रज क्षेत्र में ब्रज भूमि पर बहुत ऐसे सूरवीर हैं जो कि किसी भी समारोह में रेजिमेंट में नहीं जा सकते। उन सबको बुला के उनका सम्मान किया और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि एक फैमिली फीलिंग आ रही है, जो फौज वाली फैमिली फीलिंग है वो सबसे मिलकर आ रही है। सभी बुजुर्ग आए जिन्होंने 1965 और 1971 की लड़ाई लड़ी, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, उन्होंने अपनी आप बीती बताई। ये सुन के हम सभी सैनिकों का सीना चौड़ा हो गया है और गदगद हो गया है। हम उनका आभार प्रकट करते हैं इस समारोह के माध्यम से। क्या उद्देश्य था ये उपलक्ष्य सभी को बुलाने का था? जो वेटरन्स थे वो कहीं ना कहीं ऐसे समारोह में नहीं जा सकते थे कि रेजिमेंट काफ़ी दूर दराज में है। 1971 और 1965 में इन सूरवीर योद्धाओं ने युद्ध लड़ा था और हम उस समय स्ट्राइक वन के हिस्सा थे मथुरा की कोर के, तो उनके अनुभवों के बारे में जो नई पीढ़ी है उनको मैसेज जा सके कि हमारे सूरवीर कैसे लड़ाई लड़ते थे और जो हमारी रेजिमेंट है इसका इतिहास है, सबको पता चले कि एक इकलौती ऐसी रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की जिन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इतने मेडल हैं हमारे पास, सबको पता चले और युवा पीढ़ी जागृत हो और फौज में ज़्यादा से ज़्यादा आने के लिए उत्सुक हों। बाबा, क्या नाम है आपका और आज इतने दिन बाद में आप अपने परिवार से मिले हो, कैसा लग रहा है? मैं अपने परिवार से मिलकर के इतना खुश हूँ कि मुझे सन 65 की लड़ाई का सीन मेरी आंखों के सामने आ रहा है कि मैं उस समय पर आप ही जैसा नवयुवक था और मेरे जोश का और मेरी जो उत्साह था उसकी कोई सीमा नहीं है। पर हम यही याद करते थे कि भगवान कृष्ण का जो अर्जुन को उपदेश था कि अर्जुन उठ खड़ा हो, कोई लोभ लालच मत कर, लड़ेगा मृत्यु को प्राप्त होगा तो स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो राज्य करेगा। ये शरीर कुछ दिन का ही होता है, ज़्यादा दिन का नहीं है। तो मैं इन बातों को याद करके उस टाइम पर आज भी उन चीज़ों को याद करता हूँ कि पूना हॉर्स
मेरी महान रेजिमेंट थी और उस रेजिमेंट जैसी आजकल कोई भी यूनिट इंडियन आर्मी के अंदर आर्मर्ड कोर की नहीं है। देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देश के युवाओं को मैं यही संदेश दूंगा कि आर्मी ज्वाइन करें और देश को ऊंचा करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने बाकी परमात्मा के हाथ में है। आज और इतिहास के कुछ पन्ने पलटाते हैं, महा